Jersey Bunny. बस हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? से उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज ही सुबह भी मैं टाउन आई हुई थी जैनब के साथ, और अनम के मैं कुछ कपड़े लेके गई थी, कुछ ट्राउज़र, कुछ उसकी शर्ट्स। तो आज हमने जाना था बाहर भी खाने पे, तो मैंने कहा चलो अनम के लिए हो जाएगा सरप्राइज़, क्योंकि उसको यही होता है कि मामा आप जब भी टाउन जाती हैं, जैनब आपके साथ जाती है, मेरे लिए आप कुछ लेके नहीं आती। तो भाई छोटे जड़े बच्चे ने ना, उन्होंने इंज ही लगता है कि जड़ा है ना साढ़े नाल जुलम हो जाता है। अब्दुल्ला वो अपनी जगह पे कहेगा मेरे लिए क्या लेके आई हैं। तो अनम को दिया था आज हम लोगों ने सरप्राइज़, तो एक उसका फेवरेट करैक्टर है, उसके हम लोग कपड़े लेके गए, जो कि आजकल बच्चों में बड़ा मशहूर हुआ हुआ है, वो करैक्टर है हेलो किटी का। तो उसका जी मैं इसका ट्रैक सूट लेके गई, पर वो साइज़ का मसला हो गया, मुझे लग रहा था कि उसको पूरा आएगा, पर अनम जो है ना मेरी माशाल्लाह वो ना खुले कपड़े ज़्यादा पसंद करती है, उसको अपने साइज़ से एक साइज़ वो हमेशा बड़ा ही लेगी कपड़ों में से। तो वो हम आए अब एक्सचेंज करने, मैं कहा चलो चलते हैं, आज शॉप्स भी जो है देर तक खुली हुई हैं, तो फटाफट जाइए तो चेंज करके ले आइए, क्योंकि कल का दिन जो है वो भी मेरा बिजी है, वीकेंड पे भी मैंने घर नहीं होना, तो मैं कहा चलो फिर काम मुकदा मुकाइए। वो व्यू देखो वहाँ से आ जाओ। तो अब जी हम जा रहे हैं यहाँ से घर, अनम के जो थे कपड़े आने थे जो मैं लेके गई थी, वो उसको साइज़ छोटा था, फिर चेंज करवाए, अब हम जा रहे हैं घर। हाँ ये वाली आ रही है मूवी, ये देखो दीनी भैया जाएंगे देखने। चलो जी प्रेस करो भाई, टिकट का पे करना है, यहाँ पे ठहर जो रुक जो। 1 pound से 1 घंटा ही हमें हुआ ना अभी है, ये सही है कोई, ये तो जा नहीं रही टिकट अंदर नहीं जान दिया, खराब तो नहीं, खराब है। तो बस जी टाउन से अपना काम किया और अब बच्चों के साथ जा रही हूँ घर वापस, और यहाँ पे हो रहा था जी सनसेट, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बल्कि पूरे शहर को उसने खूबसूरत बनाया हुआ था। तो देखें यहाँ पे हमारे शहर की बिल्डिंगें, मैं आज तुम थोड़ा जहा टाउन सेंटर के कोल कोल का विजिट करवाया जाए। तो हम लोग जी, हमें काफ़ी अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए इस शहर में, हम बीच में गए थे नॉर्थ वाली साइड पे, पर साडा उत्थे दिल नहीं लग्या, ते जड़ा वे बस क्योंकि यहाँ पे घर काफ़ी जो है महंगे हो चुके हैं, रेंट वाइज भी बाय कर रहे हैं तब भी, क्योंकि ये बिल्कुल लंदन के साथ लगता है, तो है तो ये टाउन लेकिन इसको बहुत जल्द उन्होंने सिटी का नाम दे देना है, तो इतने हूँ हर चीज़ में बस समझो अग लगी जी, बड़ी हवा आ रही है। तो हम जा रहे हैं जी खाने पे, और मिलते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। आ जाओ भाई, हाँ कोट लो अपना, नहीं नहीं कोट की जरूरत नहीं, आ जाओ आ जाओ, हुडी पहनी हुई है बस, ठीक है निकलो निकलो निकलो। चलो जी जैनब और जैनब के चाचू चले गए, अब अनम का मैं कर रही हूँ वेट, जल्दी करो। हाँ तो चाचू ने फ्रंट पे बैठना है, अरे बाजू में इधर से निकाल लो। ले जाओ, अम्मी टेबल बुक करवा के हमारा वापस आ चुकी है और हम जा रहे हैं खाना खा रहे। नहीं उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए वो नहीं जाएंगे, बाहर का उन्होंने नहीं खाना, तो इसलिए हम जा रहे हैं सब बच्चों के चाचू और हम। हाँ उसको लगा दो, उसको चार्जिंग पे लगा दो, उसको उधर ही रख दो अपने पास। तो बस जी यहाँ पे हम लोग जो थे पहुँचने वाले थे, पहले हमारा कल का प्लान था, पर फिर कम्मा दी मसरूफियत दी वजह तो जो हमारा प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया, तो आज भी जो था बस 50-50 था, बस फिर भी हम लोगों ने हिम्मत की तो हमने कहा कि चलें चलते हैं। तो हम आए हैं जी स्लाउ स्टेक आउट पे, टेक आउट आ जाओ।
चलो तो भी देखें जी खाने का ऑर्डर ज्यादा है। राइस तो नहीं खाने उसके साथ, स्टेक के साथ, स्टेक के साथ कोल्सलो कर ले, मैश कर ले, मैश टर्टी फ्राइज नहीं बनाने खाने, कोल्सलो और जो है हाँ गार्लिक ब्रेड भी, कोल्सलो और जो है ना गार्लिक मैश ही है मैं करूँगी। आप ले लो स्टेक आउट स्टाइल में 200 ग्राम और सॉस। अच्छा आपका भी प्लेन है? मेरा प्लेन नहीं है, साइड में रखा है। चलो वो वेजिटेबल नहीं आए, साइड्स आने हैं ना अभी। तो माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा हमारा डिनर रहा आज का। तो इनका स्टेक जो है ऑलवेज मैं कहती हूँ कि ज़बरदस्त है। अभी तक मैंने यूके में इस तरह का जो स्टेक है वो कहीं पे नहीं खाया। आप भी आएँ फैमिली के साथ और इन्जॉय करें। और अब गाड़ी चलानी है जी वापसी पर मैंने, और जो मेरे साथ जितनी सवारियाँ हैं इनको खैर खैरियत से जो है घर लेके जाना है। तो बस भाई बड़ी जिम्मेदारी का काम होता जे। चलो भाई बैठो सारे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा अगले दिन का व्लॉग। तो यहाँ पे 1 बजे का टाइम है, ये देखें धूप निकली हुई है आज बड़ी शानदार। और आज हमने कहीं जाना है तो मैं चल के देखूँ अपने कोई कपड़े निकालूँ और फिर सब घर वालों से पूछूँगी कि कौन सा पहनना है। और आज ही हमने जाना है ऑरेंजरी, वहाँ पर आ रही हैं कुबरा खान, सायरा खान। उधर फ़लस्तीन की चैरिटी के लिए उन्होंने कोई इवेंट है जहाँ पे मुझे इनविटेशन आई हुई है मेरी और वसीम की और बच्चों की, पर बच्चे नहीं जाएंगे, मैं और वसीम ही जाएंगे, बच्चे घर पे रहेंगे अपनी दादों के पास। हम लास्ट टाइम भी जब गए थे ना बच्चों के साथ फर्स्ट, हाँ काफ़ी वहाँ पे पता है ठंडी होता है, पास उधर उनके लेक भी है ना। हाँ ये तो है, चलो ये अच्छे लग रहे हैं। टिश्यू टिश्यू उधर ही होगा, उधर ही होगा। चलो करो आंखें बंद करो, इसकी वजह से कितनी सॉफ्ट होती है। बस बहुत ज्यादा कच खड़े हैं ना, ज्यादा स्प्रे मुँह चमचम कर। तो बस जी अब हम निकलने लगे हैं। तो मुझे मेरी एक फॉलोअर है नुजत, उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था कि हिना जी मैं आना चाहती हूँ, तो टिकट्स जो हैं वो सोल्ड हो गई हैं। तो मैंने उनको भी मैसेज किया जी मेरे बच्चे तो नहीं आ रहे, मेरे पास 3 टिकट्स हैं चाहिए, तो आप 7:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाए। तो देखो अगो उन्होंने किस्मत। और एक मेरी और फ्रेंड थी उनको मैंने कहा तो उनके आ रहे हैं कोई गेस्ट, तो उन्होंने कुबरा मिलने का बड़ा ही शौक सी। बाकी देख लें किस्मत, किस्मत की बात है। आज मेरे पास टिकट्स हैं पर देखो कौन आंदा तो कौन नहीं। तो ये लें जी ये है मेरा फुल सूट, और ये वाला सूट जी मेरा नक्शकार का है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टिच हुआ हुआ था, डिज़ाइन भी इसका अच्छा था और मटेरियल भी बड़ा ज़बरदस्त। और अम्मी भी कह रही थी कि तुम्हें बड़ा अच्छा लगा पहना हुआ। साथ में जूता जो है ये मैंने ऑफ वाइट पहना हुआ है, जूता जो है ना ऑफ वाइट वैसे बड़े यहाँ सूटा के नाल चल जाता है, ज़रूरी नहीं कि तुम हर कलर की जुत्ती लवो, गुजारा हो जाता है खैर से। दुपट्टा मुझे किसी ने पूछा था कि आप दुपट्टा कैसे टिका लेती हैं भाई, ये ऑर्गेंजा बड़ी अच्छी है और ये बड़े आराम से टिक भी जाते हैं। ये तो खैर मैंने आज पिन लगाई है ना, अगर पिन ना भी लगाऊँ ना तो फिर भी मैं इसको इजीली कैरी कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ नहीं वो किया करें अच्छी है। तो देखें दुपट्टा आज जी सेट हो गया, मैं थोड़ी गल मान लेगी। अम्मी कह रही है मैंने देख रहा है वसीम कैसा लग रहा है, बाहर निकल के अम्मी को दिखाएं। हाँ ये अच्छा लगता है वसीम को माशाल्लाह। अच्छा कर लो ना ओनी भी जाएगी ना, मैं लम्मा हूं मैं इससे होना नहीं, सीधे हो जाओ अपने खींच दे नहीं है बस। हां और यहाँ पे जी अम्मी मेरी और वसीम की तस्वीर खींच रही थी, तो वसीम को शक पिया कि वसीम ना तस्वीर पूरे नहीं आ रहे। तो फोटो सेशन हुआ जी हमारा पूरा, और यहाँ पे खैर से जी हम निकले फिर घर से। तो बस 40 मिनट में जो है मगरिब भी हो जानी है, तो बस हम लोग जल्दी निकलेंगे और मगरिब की नमाज जो है वो वहीं पे ऑरेंजरी पे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अलग से एक नमाज के लिए भी जो है उन्होंने स्पेस बनाई हुई है। तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है कि
आपकी नमाज जो है वो मिस नहीं होती। और मोटरवे पे भी इस टाइम रश नहीं था, तो मैं कहती हूँ मौसम ही बड़ा ज़बरदस्त, और आपने देखा क्या खूबसूरत मंज़र मैंने आपको दिखाया है। तो मुझे ना इस तरह बड़ा अच्छा लगता है, कहीं जा रहे हों कोई आपको व्यू ज़बरदस्त लग जाए, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको कैमरे में कैप्चर लाजमी करूँ। जैसे कि ये देखें क्या सनसेट हो रहा सी, ब्यूटीफुल लग रहा था माशाल्लाह से। और कोशिश किया करें जब आप घर से निकलते हैं तो बावजू हो के निकला करें, क्योंकि किधरे भी ताड़ी नमाज का टाइम हो जाए एटलीस्ट ताड़ा वजू तो होए ना, तो आप जगह देख के कहीं पे भी नमाज जो है अपनी वो अदा कर सकते हैं। इस तरह जो है ताड़ा मतलब तनु नहीं होगा कि साड़ी नमाज जड़ी है ना वो छूट गई है। और आज ये दुपट्टा जो है जिस तरह से टिकाया गया है वो मैंने आपको बताया, ये साउथ हॉल में होता था ना कबाबिश, तो वो वाली आंटी जो है ना कबाबिश रेस्टोरेंट वाली, उन्होंने मुझे ना एक लिंक भेजा व्हाट्सएप पे टिकटॉक से था कि चुन्नी पिन, तो मैंने फिर वहाँ से देख के तो चुन्नी पिन जो थी ना वो मैंने ऑर्डर की है। और मुझे आंटी का मैसेज देख के इतनी खुशी हुई कि देखें कितनी फिक्र है सबको कहीं ना जिदा दुपट्टा किसी तरीके जो है ना वो टिक जावे। तो यहाँ पे जी हम पहुँच चुके हैं जो वेन्यू था वहाँ पे, तो ये कभी डे टाइम मैं अगर इधर आई ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। ओरेंजरी की जो लोकेशन है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। खैर इस टाइम तो अब बस रात का टाइम जो है वो शुरू हो रहा है, तो इस टाइम तो कुछ मैं कैप्चर करना भी चाहवागी ना तो मैं नहीं कर सकाँगी, क्योंकि उन्हें कैप्चर होना ही नहीं जैसा कि वो उसको होना चाहिए। तो किसी दिन आएंगे यहाँ पे डे टाइम तो आपको दिखाएंगे यहाँ की लोकेशन भी, ते हले ते असी दुआ करते पे सा कि सानू पार्किंग मिल जाए। शुक्र है कि हमें पार्किंग मिल गई। और इस सूट के साथ ये जो पर्स मैंने पकड़ा हुआ था, पर्स ये मुझे दिया मेरी मामी जान ने गिफ्ट मेरी बर्थडे का, प्योर लेदर का है, बड़ा ही ज़बरदस्त, और उसका कलर इस तरह का है कि मैं किसी सूट के साथ भी जो है ना ये वाला पर्स यूज़ कर सकती हूँ। तो ये लें जी, यहाँ पे आपकी हिना जी चढ़ रही थी सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमने ऊपर वाली मंजिल पे जाना है, अंदर भी सीढ़ियाँ हैं बाहर भी सीढ़ियाँ हैं। और वो रहा जी ओरेंजरी, ए जी ओरेंजरी, तो इनका खाना बड़ा मज़े का होता है, इनकी पापड़ी चाट भी बड़ी मज़े की होती है। ये मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम आई हूँ, पहले जब इसकी ओपनिंग हुई थी ना तब इन्होंने हमें इनवाइट किया था, और आज हम आए हैं जी यहाँ पे सेकेंड टाइम। तब मेरे साथ बच्चे भी आए थे पर आज बच्चों का मूड नहीं सी, उन्होंने अपनी दादों के साथ टाइम स्पेंड करना था, उन्होंने कुछ अपने प्लान सन, उन्होंने कह दिया जी हमने नहीं जाना। तो ये थी जी हमारी टेबल, टेबल नंबर 3। तो मैंने भी कहा कि चलें बच्चे जैसे खुश उनको रहने दे, ज़बरदस्ती बच्चों को लेके आए ना वो फिर बड़ा तंग पैंदे, और मैंने कभी बच्चों के साथ ज़बरदस्ती नहीं की इस हवाले से कि नहीं नहीं चलो चलो, वो जैसे कंफर्टेबल है ना मैं उनको वैसे ही रहने दे। और मैंने एक बात करनी थी भाई, देखे मेरा कंटेंट ही ऐसा है कि मैंने सुबह उठना होता है, मैंने डे शुरू होता है तो मैंने दिखाना होता है कि मैं क्या कर रही हूँ है ना, जो मैं कपड़े इस्त्री करके बिस्तर पर रखे हैं तो मैं दस्तना तो है ना कि आज मैं सूट पाना है। तो आप मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं जो मेरा इतना एहसास करती हैं, तो प्लीज़ तुम इन्नी मेहनत न जी मेरे वीडियो बनाते हो ना, तो चारों कुल भी पढ़ के मेरे ते फूक दिया करो कि मैनू नज़र ना लगे कि ताड़ी ही नज़र ना लग जाए प्यार दी। तो प्लीज़ चारों कुल भी पढ़ के मेरे ऊपर फूक दिया करें, आज तल कुर्सी भी, तो जे नज़र लग गई तो हिना जी तो गायब हो जाएंगे, तो फिर वीडियो किंज बनाओगे तुसी तो मैंने यही कहना था कि प्यार से कह रही हूँ चारों कुल लाजमी पढ़ के मेरे ऊपर फूका करें और दुआ किया करें कि मैं रोज़ इसी तरह उठा करूँ, सूट इस्त्री किया करूँ, और अल्लाह मेरे लिए आसानी करे हर काम में है ना, और अल्लाह पाक हर काम में बरकत डालें। तो चलो भाई बहुत मजाक हो गया, और ये जिस कोर्स के लिए आज इवेंट रखा था इनके लिए भी बहुत दुआ है, फ़लस्तीन के बहन भाइयों के लिए अल्लाह इनके ऊपर अपना फ़जल करे अपना करम करे। और ये जो इवेंट रखा गया था यहाँ पे भी फ़लस्तीन के बहन भाइयों के लिए लोगों ने दिल खोल के माशाल्लाह चैरिटी की, और जितनी अल्लाह ने हमें तौफीक दी हुई है हमने भी उसमें अपना हिस्सा डाला। तो यहाँ पे जी अभी मेरी दो फॉलोअर्स आएंगी जिनको टिकट्स मिल गई थी मेरी तरफ से, और मैसेज भी उनका आ गया कि हिना जी हम पहुँच रहे हैं। उनका घर जो था ओरेंजरी से 7 मिनट की ड्राइव पे था। वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंट्स, वेलकम टू मीट एंड ग्रीट विद पाकिस्तानी स्टार्स। मेक सम नॉइस फॉर योरसेल्फ, तालियां फॉर योरसेल्फ एंड कमिंग एंड सपोर्टिंग द शो। वेल दिस इज वेरी इंटीमेट, राइट? आई कैन जस्ट हाई फाइव एवरीबॉडी। सो This is nice, right? Are you guys excited about today? Yeah.
Who's here for the Pakistani stars? Who's here just because they hate the food at home? They just want to have good food, right? आप भी घर का अच्छा खाने वाला अल्लाह का वही कह रहे बहुत अच्छा बंदा शी शी डू शो राइट ओके राइट एवरीबॉडी इन द बैक कैन यू गाइस हियर मी कैन सी मी ओके ओए सॉरी क्या बात ओ माय उबरा को कौन कर दूर रहे इनसे आई एम अलोन ऐसे बंदे आपको फिर इनबॉक्स करते हैं इंस्टाग्राम फैंस कम ऑन एब्सोल्युटली आई थिंक दीस लेडीज यू नो आप ही है इज ऑलवेज वन आंटी मैं भी फैन मेरी डॉटर भी फैन मेरी पोती भी फैन आप तो बड़ी अच्छी सीट पे बैठी है ना सो गाइस वी आर आल्सो सपोर्टिंग आपको इसके अलावा ऑब्वियसली टुनाइट कुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ आवर स्पॉन्सर्स सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज यहां पे मेरा सपना था मैं एक दिन आऊं और अब आ गया हूं एज यू कैन सी यहां पे ऑरेंज लगे हुए हैं माशाल्लाह हर जगह बीच में एक दरख्त भी लगा हुआ है तो अगर किसी ने खट्टे ऑरेंज खाने हैं यू नो प्लीज हेल्प योरसेल्फ and once again big round of applause for our sponsors legal pathway solicitors Talian DJ O events and print factory you know give a big hand guys so have a good time so before we get started next up I have an award winning Quran reciter he's awarded by the prince of the holy land he's come here to recite the holy Quran and some nasheed so big round of applause for our brother Sheikh Al Saidi guys give a big round of applause thank you I hope everyone's doing well, inshallah ta'ala. MashaAllah, third successful event that I'm doing with Lux Events, alhamdulillah. They've been putting up amazing charity events down south here in London. May Allah accept their efforts and their hard work. I'd like to start off this event with a Quran recitation, inshallah ta'ala, and hopefully followed up by a few nasheeds. May Allah accept you, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Charity to go with. This is one of the few charities who is mashallah doing an amazing job on ground. और वहाँ पे अभी बिल्कुल जो इनकी जो CEO हैं वो कल ही जॉर्डन से होके आई हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा distribution की हैं trucks हमारे वहाँ पे Palestine के अंदर गए हैं. तो she's gonna come and speak to you. You're gonna be able to speak to them after this as well. आप उनसे जाके पूछ सकते हैं how the aid is getting in there. So what I'm gonna do is I'm gonna be inviting the CEO of Forgotten Women Charity, Sunny. It's a big round of applause for guys. Let's give her a big welcome. तो यहाँ पे जी पहले उन्होंने जो था स्टार्टर सबको सर्व किया सैलड था साथ में पापड़ी चाट थी और फिश पकोड़ा था और साथ में शामी टिक्की तो ऑरेंज का जो खाना है ये बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जब इसकी ओपनिंग हुई थी तब भी हमें बुलाया गया था
विद फैमिली, और बड़ा बच्चों को भी पसंद आया था। बिल्कुल माइल्ड सा होता है, कोई इनका स्पाइसी फूड नहीं है। और साथ ही जी यहाँ पे फिर स्टार्टर के साथ ही फिर इन्होंने मेन कोर्स जो था वो भी सर्व कर दिया, क्योंकि 10:30 पे इसका टाइम होता है बंद, मतलब कि ये बंद कर देते हैं इसको। तो वरना जो पहले वाले इवेंट्स थे वहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि पहले चैरिटी सारी, मतलब कि लोगों ने डोनेशन वगैरह जो देनी थी वो दी, और खाना जो था वो फिर उसके बाद उन्होंने सर्व किया था। लेकिन टाइम जो था वो आज कम था, वैसे भी थोड़ा लेट हो गया। तो यहाँ पे जी जितने भी आए हुए थे गेस्ट उनको खाना सर्व किया गया, और इसके बाद जो है वो फिर डोनेशन का जो सिलसिला है उसको इंशाल्लाह वो जारी करेंगे। ये वाला लेती हूँ। बेचारा शर्मिंदा होके पीछे कुड़ियां खड़ा है, इधर यूर मेक सम मोर नॉइज फॉर मी। आर वी रेडी? इरा वा शैल गिव यू द माइक है। आर वी रेडी फॉर सलमान? कम ऑन गाइस, पुट योर हैंड्स गॉट अप फॉर मी। डेडी ताड़ियां मारोगे, ही इज गोना बी टॉकिंग यू गाइस। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजन आप ये दोनों बीच में खड़े होकर कौन सी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं इस्लामाबाद में? मिस्टर फैज अभी भी मार्क या इसको उर्दू में नहीं समझ आता सर। मैंने कहा आपकी कौन सी कमेटी खाई है उन्होंने? यू गाइस आर गुड डिनर, तो बैठ जाओ। जिम वाले सूट पा के आगे लगवा हूं क्या? क्या बात है, किड्स आर हैप्पी। मैंने घर पे चलो हुए, अगर मैं जन्नत में आपसे शादी करूंगा तो आप हां करेंगे? सारा को सारा को। So if you are weird like that, then please keep those questions yourself. Keep the questions halal and family friendly. Jannat mein jana Allah decide karenge, uthe jaake tonu sara paan chahiye. So we'll have a good time. But to get the rest of the event started, I would like to invite our charity partners, Forgotten Women, once again. And they're just going to quickly go in a bit more detail to tell you about the amazing work they do and how you guys can be part of it. Can you get a big round of applause for Sadia guys, for Forgotten Women guys. Big round of applause for Sadia. MashaAllah, I know it's like some people up this side of the table, MashaAllah. The back of the room, I definitely didn't hear you. I know you've had some food and you're in a rich family, but this is just one of, subhanAllah, dozens and dozens of children who are dying right now in Gaza. It is critical that we understand right now that when we make an ask next, we're not talking about the food that you and I eat. We're definitely not talking about what we've just consumed. But what we are talking about is food and water that is actually going to save lives. Because without this, this is the outcome. Without your support for parents in the Gaza. Forgotten Women, as we said earlier, is a charity for women by women. So this is going to literally, specifically look to support widows, women, vulnerable women, vulnerable children, and especially the elderly. The elderly. People forget, in this asymmetrical war, everyone's been affected. Anybody else, £5,000 is what we're looking for, or you can do £500 a month. But like I said, all you need to do is try. I don't know how Allah's mercy is moving through this room. Is there anybody else who wants to join our sisters and say, Bismillah, I'll give £5,000 for my brothers and sisters in Gaza? All this stuff that we've got, it's all going to stay here. I'm not taking with me when I go. And if I'm still alive for next year, Allah will give me anyway. I believe in Allah's promise. So let me give whatever I can, inshallah. And if Allah's choosing for me to continue living, the water and the mobile medical clinic you'll be giving. So they receive about 200 patients every week. I believe it's 200 patients a week. Sorry, 500 patients a week. And they are receiving these patients and they're treating these people. Is there anyone in this room who can give a thousand? I'm sirf aapke kaanon ki frequency test kar rahe the, isliye bas. You guys ready? क्या आप लोग तैयार हैं? कुछ ऐसे रखो, सारा खान एंड कुमरा खान। Come on guys, make some noise for Sara. चाहे वो
इस्लाम मुल्क के लोग हों, तो आपको लगता ही नहीं कि आप कहीं और आए हैं, लगता है कि आप अपने मुल्क में इतना बयान मिल रहा है? नहीं नहीं, जिस तरह सारे हमारे खड़े हैं अपने कैमरे निकाल के, लगी रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं. And you know, mashallah, they've been watching your dramas, and there are a lot of young girls who are inspired by what you do. And I'll start with you. किस तरह का लगा? इससे मैं बना, मैंने कहा आप मुझे एक दफा मुझ पे करके एक्सपेरिमेंट करके देख ले. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे मैंने पूरा करना था, और वो बहुत अच्छा भी किया था, शुक्र है अल्लाह का. तो मैं ये दिखाना चाहती थी कि मैं रोने के अलावा भी शायद कुछ थोड़ा इविल भी कर सकती. मतलब आप असल में रोई थी कि वो आंखों को कुछ प्याज व्याज काटने पड़ेगा? अच्छा, मुझे ना, मैं सबसे ज्यादा ड्रामे रोने वाले करती हूँ, लेकिन मुझे रोना नहीं आता. मुझे अक्सर डायरेक्टर्स कहते हैं सारा कुछ सोचो कुछ हुआ होगा जिंदगी में. सोचती हूँ हुआ तो है लेकिन रोना नहीं आ रहा. तो आज का जो चैरिटी का ये इवेंट था, ये बहुत ही पुरसकून था. मतलब कि रश भी इतना नहीं था, लोग भी अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे आराम से. हाँ, लेकिन जब कुबरा खान और सारा खान आई है, उधर ज़रा थोड़े एक्साइटेड हो गए. और कुबरा की अम्मी जो थी, ये हमारे साथ ही बैठी हुई थी आके हमारी टेबल पे. फलक और मैं दुनिया में कहीं भी जाते हैं, चाहे किसी भी काम के लिए, अब वो उसमें अलाना होती है. और वो चाहे लंदन आना हो, दुनिया में कहीं भी जाना हो, अलाना हो. और पलक के शोज़ होते हैं, अभी भी वो गए थे पैरिस, पलक के शोज़ होते हैं, अभी भी वो गए थे पैरिस अपने शो के लिए. तो अब मैंने अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन इस तरह कर लिया कि वो अलाना के मुताबिक हो. मेरा जो काम का रूटीन होता है, मुझे सुबह अगर जाना है तो वो सब जाना होता है कि अलाना जब सो के उठती है. Ready, 3, 2, 1, stay there one more. Thank you very much. Next one. तो चलें जी, अब हम जा रहे हैं घर. शो जो है ख़त्म हो गया. तो चलो चलें, बड़ा अच्छा था. मतलब के कम लोग थे लेकिन मज़ा आया. तो ये था जी हमारा आज का जो था दिन, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा. दुआओं में याद रखें. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह हाफिज़.